आज हम खेलने जा रहे हैं प्रैंकस्टर 3D, यानी कि हमें प्रैंक करने हैं मिस्टी के साथ, लेकिन हमें कोई टास्क वगैरह नहीं करना, बल्कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी जिसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे। अब हम सही सिलेक्ट करेंगे या गलत, ये तो गेम देख के पता चलेगा, और हमारा माइंड इतना शार्प है प्रैंक करने में, ये भी पता चल जाएगा। तो चलो गेम को शुरू करते हैं। तो इसके 85 लेवल्स हैं और हम यकीनन आज 20 लेवल या 25 लेवल कंप्लीट करेंगे। तो चलो पहला लेवल स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेवल शुरू हो चुका है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ग्लू या एयर हॉर्न, और हमें इसको जगाना है, मतलब उठाना है। क्या करना चाहिए? ग्लू लगाना चाहिए, और ग्लू से तो अलार्म बंद करेगा, उसके बाद में चिपक जाएगा, वो उठेगी नहीं। मेरे ख्याल से एयर हॉर्न ठीक है, इसको रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये सही चॉइस थी, बड़ी बड़ी अजीब तरीके से। बाकी आगे क्या आने वाला है? अब ये टूथपेस्ट करने वाली है, जिसमें शेविंग क्रीम और हॉट सॉस। अब शेविंग क्रीम मुंह में लगा अंदर, तो दांत तो साफ करने नहीं वाली, और इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हॉट सॉस, मैं इसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। अच्छा, फुल हो गया, वाह। हॉट सॉस, वो भी ब्लू कलर का, पहली बार देख रहा हूँ। अबे ये तो ड्रैगन बन गई, सब भागते हुए जा रही है पानी पीने। तो अब हमारे पास एक डिटर्जेंट है जो कि ऐड देखना पड़ेगा, तो ये तो मैं नहीं कर रहा। सोडा या विनेगर? सोडा डाल के मेरे को उसकी प्यास तो नहीं बुझानी है, विनेगर डालेंगे, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अबे तो पूरी बोतल अंदर ले गई। अब इसको शुरू हो गई है खांसी, मतलब प्रैंक सक्सेसफुल है। तो कौन से धुएं? पहला लेवल हो चुका है, अब दूसरे लेवल की बारी है, और हमारे पास दो चीजें हैं, केचप या नूडल्स। अब केचप मैं वहां पे रख भी दूंगा तो वो सर के ऊपर लगेगा, इस पे गिरेगा नहीं, तो क्योंकि बेसिकली बाल्टी यहाँ पे रखो तो वो उल्टी होती है, केचप का कोई फायदा नहीं है। तो नूडल्स रखेंगे हम यहाँ पे, ये दरवाजा खोलेगा तो उसके सर पे गिरेगा। चीख भी बड़ा गंदा है, ना किया कर। बाकी शैम्पू में कलर या ब्लीच? कलर से इसका डिजाइन अच्छा हो जाएगा बालों का, ब्लीच सही है, बाल झड़ जाएंगे, गंजी हो जाएगी, उसको एक और बार गंजा देखने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं सही है या गलत है। सही है, गंजी हो गई। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? अब ये किधर भाग रही है? अच्छा, भागते हुए हमें क्या करना है, ऑयल गिराना है या स्ट्रिंग लगानी है? मार्बल है, ऑयल से भी काम चल सकता है, स्ट्रिंग से भी काम चल सकता है। स्ट्रिंग सामने रखेंगे तो उस पर पैर अटकेगा और ये गिरेगी, ऑयल से पैर फिसल सकता है, और इलेक्ट्रिक वायर, क्योंकि मेरे पास, मैं इस टाइम ऐड नहीं देखना चाहता, तो इलेक्ट्रिक वायर तो हो नहीं सकती, तो मेरे हिसाब से ऑयल लगा के देखते हैं क्या होता है। बे तो बच गई। तो भाई लास्ट टाइम ऑयल डाला था और ये मस्ती बच गई थी, इसे फिसली क्यों नहीं? ये थोड़ा अजीब है, मार्बल ही है ना, इस पर फिसला, यार समझ से बाहर, हम स्ट्रिंग लगाएंगे, छोड़ो। पहली गलती हो चुकी है, ये कोई लॉजिक नहीं है यार, उस पर मैंने ऑयल गिरा और गिरी नहीं। हाँ, फट गया तेरा सर। दो लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरी लेवल है, और ये हमारी रनिंग स्पीड कर रही है। ट्रेडमिल को खराब करने से कुछ होगा? चेक करते हैं, स्पीड बढ़ जाए उसकी वजह से गिर जाए। स्पीड बढ़ गया मतलब गिरेगा पेज। ये क्या हुआ? ये तो रुक गई, फिर बच गई। लास्ट टाइम बच गई थी, इस बार नहीं बचेगी। हम शूज को बांधेंगे, अब तो तू पक्का गिरेगी। ये मुंह के बल गिरी। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, या तो वेट लगा दें या ग्लू लगा दें। अब वेट लगाने से क्या होगा, हट्टी कट्टी है, वेट तो उठा ही लेगी। ग्लू लगाएंगे, चिपका देंगे इसको नीचे, इतनी मजबूत ग्लू है, सुपर ग्लू है। हाँ Could आंटी I जी, आ जाओ। be any stronger? भैंस को डांट, इसके मुंह पे गिर गया, Oh, my बच गई ना। head. अब इसमें क्या करना है, इस पे या तो ऑयल गिराना है या इसको पंप करना है।
अगर हम ऑयल गिराएंगे तो उसके नीचे से फिसल जाएगा, इस वजह से वो गिरेगी, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी क्योंकि बॉल नीचे से फिसल जाएगी। अगर हम इसमें हवा तेज़ भर दें तो उससे हो सकता है उछल के जाए, हवा तेज करते हैं ज़्यादा, तो हवा भरते हैं इसको थोड़ा मोटा करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बस इस बार ना गलत हो, बेइज्जती हो जाएगी यार। ओ भैंस की टांग, ये तो खुद फुटबॉल बन गई। मैंने सिर्फ दो टास्क गलत किए हैं, बाकी अभी तक सही है। और ये क्या है? अच्छा तो ये ग्रीन नहीं था, ये तो वापस सीधा हो गया। ये कैसी गेम है? चाहिए स्क्विड गेम वाली गेम खेल। और चाचा तो मर गया। अच्छा हमें अब टीचर को आउट करवाना है, तो क्या करना चाहिए, एसिड या माउस ट्रैप? अबे एसिड से क्या होगा, गिरेगी तो नहीं, माउस ट्रैप लगाते सोच लेगी ना। ये गुड बाय। तुम्हारा भाई शार्प तो है, चार लेवल सिर्फ दो गलतियों के बिना पर किए, फिर भी 80-90% तक सही किया है। बाकी स्टाइलिंग स्प्रे या कलर स्प्रे, फिर वही बात है, हेयर स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग स्प्रे का मतलब है जेल वगैरह जिससे बाल सख्त हो जाएंगे, और कलर स्प्रे कलर करके उसके बाल, ये तो खुश हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो मैं स्टाइलिंग स्प्रे चूज़ करूँगा। अब ये बेइज्जती ना करवा दी, बिना स्टाइल अच्छा हो जाए। What? अबे ये क्या है? Oh, no. ये तो वो कांटे वाला चूहा लग रही है। नेक्स्ट क्या है, मैक्स हीट या फायर? अब मैंने इसके बाल खराब किए हैं, मैं मैक्स हीट पे रखूंगा तो बाल वापस सेट हो जाएंगे। मैं वायर कट कर देता हूँ, क्या तो चले ही ना। अबे ये तो इनसाइड वायर कट हो गई है। No matter. झटके लग रहे हैं। Where did झटके all लग के उसको कुछ नहीं, उसके बाल गायब हो गए। बड़ी बात है। आप अच्छा इसकी विग में कुछ करना है, अब क्या करना है, हनी या ईस्ट पाउडर? ईस्ट पाउडर मतलब खुजली वाला पाउडर, और चूहे को मैं लगा नहीं सकता। हनी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, घर के अंदर शायद मक्खियां ना आए। ईस्ट पाउडर डाल के देखते हैं, वो तो खुजली होनी चाहिए ना। It burns. इसको तीसरी बार में गंजा देखा, चौथी बार सॉरी। और ये फाग ये बाल से हो भी गए। प्रैंक करने में तुम्हें माहिर हूँ, इस बात में तो कोई शक नहीं है। कार्टून देख के खुश हो रही है, वो कार्टून जो बचपन में देखते थे। हॉरर मूवी या मिस्ट्री मूवी? मिस्ट्री मूवी से क्या होगा, टेंशन में आएगी, हॉरर मूवी तो डराएंगे ना, थोड़ा हॉरर मूवी ना। अबे इसको देख के तो बच्चा भी ना डरे। ये उछल रही है, पागल है क्या? अरे बाहर भागेगी, अब क्या करना है। अब दरवाज़ा है, या तो हथौड़ी से इसको तोड़ूंगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा भागना। मैं इसके स्क्रू ढीले करूंगा ताकि दरवाज़ा खुले तो दरवाज़ा टूट के इस पे गिरे। एग्जैक्टली, इसका तो नाक टूट गया फिर से। छह लेवल हो चुके हैं और अभी तक सारे इजी थे, दो बार गलती हुई है, वो भी मेरी गलती नहीं है, मैंने सही चॉइस किया था। अब ये यहाँ पे स्टिंग बॉम्ब या बाथ बॉम्ब क्या चूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से स्टिंग बॉम्ब ठीक है, स्टिंग बॉम्ब फेंकते हैं भाई। स्टीम बात लिया जा रहा था ना, अब इसमें धुआं ज्यादा ऐसा आएगा भागी। अब ये यकीनन बाहर की तरफ भागी, अगर हमें दरवाजे को बंद करना होगा, देखते हैं उसके लिए क्या ऑप्शन होगा। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर या स्टील रॉड। स्क्रू ड्राइवर से क्या फ़ायदा होगा, दरवाज़ा आराम से खुल जाएगा, हम स्टील रॉड लगाएंगे दरवाज़ा ताकि रुके, लॉक ऑफ। लेट मी आउट, इतनी अकल है, प्लीज। ये तो ये खुलने वाला है, जस्ट ओपन द डोर। उसकी टांगे फिर मुंह के भर गिरी है। इस बार क्या करना है, इनविजिबल थ्रेड या ऑयल? लास्ट टाइम ने इनविजिबल थ्रेड मतलब कि स्ट्रिंग को यूज़ किया था, इस बार शायद ऑयल यूज़ करना चाहिए, ये घास के ऊपर ऑयल और ज़्यादा पिस्तल देता है। ये गिरी फिर काम से धो, बगैर किसी गलती के आठवें लेवल में पहुंच चुका हूँ मैं अभी तक। नहीं भाई मैंने कोई गलती नहीं की। अब हमारे पास दो हैं, या तो उसको गंदा कर दें या इसका फाड़ दें। ऐसी काम हमने पहले भी किया है, एक प्रैंक में एक मिशन था जिसमें हमें इसकी ये जो चेयर है काटना था, मतलब नीचे से एक स्टेप काट देना से गिरती, तो मैं 100 को यूज करूंगा, मतलब एक स्टेप काट दूंगा, एक पाँव काट दूंगा ताकि टाइम टू रिलैक्स। गिरी वो
अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है या तो हनी या बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस से क्या फर्क पड़ेगा, वो आंखों पे तो लगाएगी नहीं, जिस्म पे लगाएगी। उसको जिस्म पे तो मिर्ची लगने नहीं वाली, मिर्ची। हनी लगाने से शहद की मक्खियाँ आ सकती हैं, तो हनी। तो ये हनी है, पाउडर है। लगा ले लगा ले, मजा मजा और मजे से लगा, और उन पाँव पे भी लगा। देखा मधुमक्खियाँ आ चुकी हैं। तो ये मधुमक्खियाँ कम, मेरे को ये मधुमक्खी ज्यादा लग रहे इतने बड़े। अब ट्रैप या वाटर पूल। वाटर पूल में तो वो गिरेगी, उसके ऊपर सारा हनी साफ हो जाएगा, मधुमक्खियां भाग जाएंगे, हम ट्रैप में इसको फंसाएंगे मधुमक्खियों के साथ। ये तो सही बहाने निकाल के चली गई भाई। वहां से ये सारा अभी तक तो बहुत हो रहा है, बुरा हो रहा है। अब इसका जूस खराब करना है। मेंटोस या लिजेक्टिव। मेंटोस बेशक टेस्ट अच्छा करेगा यार, ये कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है कि वो मैं इसमें डालूंगा तो उबल के रिएक्शन करके बाहर आएगी, जूस है। मेंटोस तो उसका टेस्ट अच्छा करेगा। क्या पेट खराब करते हैं, छोड़ो। मैंने पेट खराब करने की गोलियां तो डाल दी, अब पता नहीं क्या होगा। बाथरूम वाला कोई सुई ना दे देना भाई। ओह माय स्टमक, ओह मस्ट हरी। वो भैंस की टांग हाथ कहाँ रखा हुआ। मार्बल या स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड यूज करूंगा मैं, एकदम सच जाएगा। मैं तो समझ रहा था स्पोर्ट्स लेके जाएगी तो गिर गई। तो लास्ट मेरे को जो तो खतरा था वो बाथरूम वाला सीन नहीं आया कोई, वरना मैं टेंशन में था। बाकी अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। जली नहीं यार, जली डालूंगा तो वो जेल बन जाएगी, उस पर छिलते हुए मजे लेगी। सिमट जगाओ, पक्का करो सख्त तरीन ताकि सर लगे उसका, पड़े है दिन में तारे नजर आ गए इसको। बाकी घंटा कुछ नहीं हुआ यार इतना, बस अब क्या करना है आगे। यहाँ पे दो चीजें हैं, टिन, या तो मैं इसको स्विच चुबो सकता हूँ या फिर वो भी। यार तो यार ये गंदे गंदे काम करवा रहे हैं ऐसे, कौन सा चूज करना चाहिए, पेन या वूपी। मेरे हिसाब से अगर मैं वूपी लगाता हूँ तो क्या होगा, हो सकता है उसको शर्मिंदगी हो। मैं यही लगा रहा हूँ, कैसी गंदी आवाज आएगी। अबे हंस रही है। तो भाई हम वापस आ चुके हैं उस पॉइंट पे, और कैसी बेशरम थी यार, लास्ट टाइम हंस रही, गलत काम के ऊपर से हंस भी रही है। तो अब अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं इस बार पिन रखूंगा, उसको चलते हुए देखते हैं, छोड़ो क्या फायदा। वे तो 5 6 6 पिने रख ली मैंने, पर कान से धुआं नहीं निकला। तो What a pretty dress. लेवल इलेवन पे so आ चुके pretty हैं in it. हम, और इस बार क्या करना चाहिए, इसके कपड़े काट देने चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक तरह का प्रैंक किया था, कपड़े इसके काटे थे, या फिर इसके अंदर चूंटियां डाल देनी चाहिए जो इसको काटेंगे। मैं कपड़े काट रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। वे कपड़े What वे a कट हुए pretty थे, मैं dress. I'd look so pretty in it. तो उसके Oh, कपड़ों का डिजाइन अच्छा कर दिया यार। so fashionable. जी के यार, Pretty मैंने कपड़े dress. काटे, वो आते I'd हुए look फिरफुल हो so गए। भैंस pretty in it. की टांग, इन गेमों की कोई लॉजिक ही नहीं होती है, हमें बस बना देते हैं। चलो तो यार चूटियां ही डालो, बस इनकी मर्जी है, जो इनको सही लगे वो सही है। नहीं ये चीज, ये चीज। Oh, अब आगे क्या है, so itchy. ये No. भागी है नहाने के लिए। टावल से क्या होगा, हम तो भाई शावर खराब करेंगे। Oh, हमने शावर टाइट Why कर दिया, is इससे this not पानी नहीं आ रहा और ये working? नहा नहीं पा रहे। No water. नेक्स्ट क्या चीज़ है, या तो बॉडी स्प्रे या हीट स्प्रे। बॉडी स्प्रे इसका फायदा करेगी, हम हीट स्प्रे लगाएंगे, ये Let सिंपल me था, try इतना something मुश्किल नहीं था। else. अभी तक सिर्फ 5 गलतियां हुई हैं मुझसे, 11 लेवल्स में। आगे नहीं गलती करनी यार। हीट स्प्रे लगाया क्या, एक किया फिर भी फाज कर रही है। इसका एक्शन Dear, मुझे इस पे पसंद my नहीं आ रहा। precious, let's अब give you हम a खेलेंगे, मजा तो आ bath. रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, टूथपेस्ट या पेंट ट्यूब। टूथपेस्ट से क्या होगा, पेंट ट्यूब करेंगे। रकून को नहला रही है, इसको हम लाल पीला करेंगे। रकून ही है ना, हाँ रकून ही है। ये इससे डाला पेंट, और ये तो रेड रकून हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ब्लीच या ब्रश। ब्रश से तो कलर उतर जाएगा, हम ब्लीच यूज करेंगे।
उस ब्लीच से जो उसका ओरिजिनल कलर है वो भी निकल जाएगा, या ये गंजा हो जाएगा, कोई एक चीज होगी जो सफेद हो गया। ये भाग रही है, और यहाँ पे हम क्या करें, रोलर स्केट लगा दें या शूज को बांध दें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम शूज को बांधते हैं तो वो गिरेगी। रोलर कोस्टर, मैं रोलर कोस्टर इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ होता क्या इसके साथ। ये गिरी है, फायदा नहीं हुआ। अभी तक तो परफेक्ट जा रहा हूँ मैं, कोई गलती नहीं की। हाँ सॉरी, तो नहीं की यार मैंने कोई गलती, वर्कआउट। कोई भी मुझे इल्जाम नहीं लगा सकता, मैंने कोई गलती नहीं की। बाकी अब इसमें क्या करना है, प्रैंक में प्रोटीन, प्रोटीन उसका फायदा करेगा। हम अंडे यूज करेंगे। अबे ये अंडों का सेंटर कब से ग्रीन होने लग गया, ये कौन से अंडे? ये कैसी मुर्गी है जो ग्रीन यॉर्ड वाले अंडे दे रही है? पता टाइम फॉर सम नहीं इसको यॉर्ड गेम्स। कहते हैं या यॉर्ड कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। ये कौन ने बताओ उसको क्या कहते हैं? बाकी पी गई, इसका माय पेट स्टमक। खराब। अबे यार लग ही रहा था कोई बाथरूम वाला गंदा आने वाला है। अब फॉइल यूज करूं या क्लिंग फिल्म? मेरे को उल्टी आ रही है सोच के ही। अगर वैसा कुछ है तो मेरे जहन में, अगर इसके कपड़े गंदे करने हैं तो मेरे को उल्टी आ रही है अभी। मैं क्लिंग फिल्म की तरफ जा रहा हूँ। गो टू द अबे नहीं, टॉयलेट। ऐसे गंदे काम कराया करो यार। नो। अच्छी, कैसे कैसे गंदे काम करा रहे हैं यार। लेवल 14, भाई मैं 20 ही खेलूंगा, इससे ज्यादा व्हाट अ नहीं। लवली तो लेवल डे। 14 पे आ चुके हैं, और अब क्या करना है इसके साथ? स्क्रू ड्राइवर या ब्लू स्टॉर्च? ब्लू स्टॉर्च से क्या होगा चेक करते। अच्छा ठीक है, उसने उसकी हैंडल को गर्म कर दिया, और शायद यही सही हल है। स्क्रू ड्राइवर से क्या ही होता, हैंडल गर्म होने की वजह से पीछे भागेगी, हॉट। अभी नीचे गिरने वाली है। और हमें या तो ट्रेम्पोलिन करना है या तार। ट्रेम्पोलिन से तो यार बच जाएगी मेरे हिसाब से, या उछल के हो सकता है पीछे गिरे, हड़बड़ भी है, हो सकता है वो बच जाए, उसकी स्पीड स्लो हो जाए और वो खुश हो जाए। मैं तार यूज कर रहा हूँ, जो भी हो छोड़ो, नीचे तो गिरेगी, लगेगी तो सही ना उसको। जैसे काला काला है, ये तो चिपक गई हुए। Oh, so sticky. कितना गंदा आवाज आ रही है, मत कर आंटी मत कर। इसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा, क्या करूं, रेड पेपर या बबल सॉप? रेड पेपर, बोला था ना मत कर। अब हाँ फू फू spicy. करती रहे। अभी रुक, तेरे को बताता हूँ, मेरा सारा सिर खा गई यार ये। दूध या भाई? अबे ये तो दोनों ही आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब मिर्ची खत्म करने के लिए। दूध मिल्क है, लिक्विड की फॉर्मर है, मुझे नहीं लगता दूध होगा, ऐसे लगते हैं। तो सही हो, दूध से तो वैसे ही उसकी मिर्ची खत्म हो जाएगी, तो उसको लगी हुई है। इतने बर्फ से क्या होता है, बर्फ इसने उठा ली और ये तो उसकी जबान पे चिपक गया। अब क्या करने वाली है? अब हमें क्या करना है, फ्यूल या टॉयलेट पेपर? टॉयलेट पेपर तो टूट जाएगा, हम क्लिंग फिल्म ही यूज करेंगे। तो टॉयलेट पेपर पतला होता है, उस पर लग के फट जाएगा, ये जाली है, जाली पे लग के गिरेगी लाजमी। इसका तो मुंह गया। अबे इसको क्या हो गया, ये क्यों गुलाबी गुलाबी हो गई है? सॉरी पर्पल है, गुलाबी है, क्या है? अब मैं इसके प्लायर से टायर निकालू या पीछे मैं कीले फेंक दूं, क्या करूं? पर मुझे एक ही समझ नहीं आ रही है, पर्पल क्यों हो गई है? अभी तक तो ठीक थी। मुंह के बर गिर गिर के इसका क्या, पूरा रंग बदन सूज गया है क्या? मैं इसकी तरफ जाता हूँ, देखता हूँ इससे क्या होता है। प्लेयर से तो मुझे पता, टायर निकाल लेंगे, इससे क्या होगा? इसकी कितनी होशियार है ना, इसके सामने मैं सारा कुछ कर रहा हूँ और इसको होश ही नहीं है। I can't वाह see. मुंह साफ हो गया। अब सैनिटाइजर या फ्लाई पेपर? सैनिटाइजर क्या करूंगा, फ्लाई पेपर, ये तो चिपक गया इसके साथ। और ये नहीं, ऐसे इससे ये इस तरह ज्यादा प्यारी लग रही है, नॉर्मल इतना ज्यादा बुरी लगती है। अब हीट क्रीम या कोल्ड क्रीम? हीट क्रीम, कोल्ड क्रीम क्या करेंगे? Oh, वाह लालम what have I लाल, done? It साथ में कपड़े burns. पर्पल।
खतरा लेवल बहुत यमी जल्दी यमी खत्म ये होने वाला। माइट देखिए यार ये पर्पल क्यों हो गई है, पेपर या फॉइल के? पेपर रखेंगे तो पेपर को आग लग जाएगी और आग जलेगी, ऑयल रखेंगे ऑयल को आग भड़काएगा, ऑयल ऑयल से आग भड़केगी ना, पेपर से तो आग नॉर्मल जलेगी यार, उससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये पर्पल क्यों है मेरे को ये नहीं दिस समझ आ रही, जैसे पार्टी बाल नजर आ रहे हैं बाकी कुछ नो भी दिस नजर नहीं सीम्स आ टू बी रहा। आग गेटिंग आउट लग ऑफ चुकी है, हैंड। बंदर की तरह उछल रही है यार ये। अब क्या करना है, फैन या वाटर? फैन, वाटर से क्या करूंगा, और फैन ओह से आई भी नीड ना टू बुझ पुट दिस जाए फायर आउट। तो कुत्ते जैसा, ये तो उसका पूरा घर ही जला दिया मैंने। ओह अब फोन या गन पाउडर? गन पाउडर भाई धमाका होने वाला है यहाँ पे बड़ा खतरनाक, दिस शुड हेल्प। ये पर्पल से ब्रेड ना हो जाए। थ्री ब्लैक, भैंस की टांग इतना दूर। लेवल 18 यमी और यमी ये इन माय खाना बना रही है टमी। अपने लिए। अब क्या करना है, पंखा लगाऊं या प्लेट? प्लेट में गिरेगा तो मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो फैन लगा के इसके मुंह पे गिराऊंगा इसको। ये टप कर गया इसके मुंह पे लगा, गरम गरम, फर्क ही नहीं पड़ा इसको यार। घंटा क्या एनिमेशन लगाई है। अब क्या करना है, रुक तेरे को बहुत फर्क पड़ेगा। मस्टर्ड या ग्लू? ग्लू, मस्टर्ड का टेस्ट अच्छा होता है, ग्लू सिर्फ इसके मुंह पे चिपकेगा तब इसको मजा आएगा और मेरे को भी मजा आएगा। पेट चिपक गया, गलत आवाजें मत निकाल आंटी, गलत आवाजें मत निकाल। यार ये क्यों, उसको दांत ही बाहर आ गए। क्यों ये गेम वाले गलत गलत फीलिंग्स ला रहे हैं मेरे लिए, मेरे को समझ ये नहीं आ रही। कभी वो वॉशरूम वाला सीन कर देते हैं, कभी ऐसे अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लग जाती है। अब क्या करना है, सैंड पेपर या टेप? टेप, क्या होगा टेप से? टेप से हमने कैंची को पकड़ लिया है, पता नहीं क्या करने वाला है ये। नो प्रॉब्लम। ये कैसी अजीब लॉजिक दिया, दांत से काटने लग गया। तो गेम वालों कोई तो लॉजिक लगाओ अच्छी सी। सैंड पेपर, इससे क्या होगा? सबसे सामने वाला उसका ब्लैक कर दिया, मतलब उसको लेट मी दिखेगा नहीं अब। कट दिस। ओह देयर गोज माय ग्रोसरीज दिस वीक। ओ ये मतलब उसको दिखा नहीं और उसने गलत काट दिया। पेन या टिश्यू पेपर? हम टिश्यू पेपर यूज करेंगे, डस्टबिन में डाल के क्या फायदा, पता नहीं इससे क्या होगा। उसको यहाँ रखा, No उसका क्या करेंगे, matter. वो भी खराब। Oh no. What do I do now? किसी प्रैंक में इतनी अच्छी लॉजिक होती है और किसी किसी प्रैंक में लॉजिक का नाम निशान नहीं होता, और ये बड़ा गंदा नाच रही है तो पर्पल कलर ऊपर से नाच भी बड़ा गंदा रही है। छोड़ो भाई इसका नाच गाना बंद करवाते हैं। सीजर या पेन? सीजर से क्या होगा, चेक करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। हमने तार काट दी, कुछ भी नहीं, शाम में ही झटका लगा। मैडम बहुत गंदा नाच रही हो यार, बस कर दो, मेरे को फिर से नाच गाना नहीं देखना है, जल्दी करो। सीजर से हमें ही झटके लगे थे, इसको मैं पिन डालूंगा, पिन से क्या होता है। बंद हो गया गाना, ये इसको चला चलाने जाएगी। एक दो तीन ओह चार पांच, इसके नो मुंह से खून नहीं निकला, ये अजीब बात है। बाकी हैमर नहीं नेल से, वो थोड़ा सा आवाज गलत आएगी तो उसके कान फटेंगे। व्हाट इज दिस साउंड, मुझे तो कोई सो साउंड नहीं है, तो ये अननोइंग। कहाँ से आ रहा है? अब ये यकीनन पैरेट या विंडो? हम विंडो यूज करेंगे, ये बाहर भागेगी, इस पे फंसेगी यकीनन। ओह व्हाई डू पीपल हैव टू बी तो लोग सो बात बोल रहे हैं, और लाउड। ये गई। इसका पाँव तो फंसा ही नहीं है। तो भाई ये आज का लास्ट में लेवल है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और यहाँ पे मैं उन खतरनाक फूलों की तरफ जाऊंगा जो उसको काटेंगे, बस ये गलत ना हो जाए, इसको ये ना हो, ये फूल भी पसंद आने लग जाए। नाइस। नहीं, ठीक है ठीक है, इसको काटा है, इसका नाक है, क्या हो गया ना बड़ा नाक, वापिस सेट हो गया। आप क्या करते हैं, स्प्रिंग लगाएंगे हम, चलते हुए इनको देखना चाहते हैं। कम ऑन लव, हैव अ सीट।
तेरी खैर, आगे तो कुछ नहीं करना ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।